चिंकी का आइडिया। बहुत समय पहले किसी शहर में चिंकी अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। उनके अलावा घर में पूजा नाम की एक मेड भी थी जो घर का सारा काम करती थी। मालकिन, घर का सारा काम हो गया। ठीक है, अब जल्दी से खाना बना दो। मालकिन, सारा खाना बन गया। ठीक है, अब तुम जल्दी से चिंकी को स्कूल से ले आओ। मालकिन, चिंकी भी स्कूल से आ गई। इस तरह सब सही चल रहा था। फिर एक दिन पूजा बीमार हो गई। मालकिन, मेरी तबीयत बहुत खराब है, आज मुझसे काम नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं पूजा, आज तुम छुट्टी ले लो। छुट्टी लेकर पूजा घर चली गई। उस दिन घर का सारा काम मम्मी को करना पड़ा। अगले दिन सुबह मम्मी पूजा का इंतजार कर रही थी, लेकिन पूजा नहीं आई। ये पूजा तो आज भी नहीं आई, आज भी सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। दूसरे दिन मम्मी पूजा का इंतजार कर रही थी। भगवान करे आज तो पूजा आ ही जाए, नहीं तो आज भी सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। तभी उनके घर ज्योति नाम की एक दूसरी मेड आई। तुम कौन हो और हमारे घर क्यों आई हो? मेरा नाम ज्योति है। पूजा दीदी की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं होती, उन्होंने उनकी जगह मुझे काम पर भेजा है। सच? भगवान का शुक्र है। चलो अब जल्दी से काम पर लग जाओ। ज्योति काम पर लग गई। पूजा की तरह ज्योति भी बहुत अच्छे से काम करती थी और खाना तो वो ऐसा बनाती थी कि घर में सभी उंगलियां चाटते रह जाते थे। ज्योति दीदी, आप ऐसे ही रोज नई नई चीजें बनाया करो। ठीक है चिंकी। अब ज्योति रोज चिंकी को नया नया खाना बनाकर खिलाने लगी। फिर एक दिन चिंकी अपने कमरे में बैठी स्कूल का होमवर्क कर रही थी। तभी उसके सामने से एक चूहा भागता हुआ गया। मम्मी, मेरे रूम में चूहा है। क्या, कहाँ है चूहा? वो बाहर चला गया। कहाँ गया? वो रहा। मम्मी और चिंकी उसके पीछे दौड़े, लेकिन उसके पहले वो चूहा भाग गया। मम्मी, जेरी तो भाग गया। जेरी कौन? यही चूहा। वो टीवी पर टॉम एंड जेरी आता था ना, उसमें चूहे का नाम जेरी होता है। ठीक है, पर अब इस जेरी को पकड़ेंगे कैसे? और फिर चूहे को पकड़ने के लिए मम्मी और चिंकी ने बहुत कुछ किया। इसमें जेरी जरूर फंस जाएगा, इसे खाकर जेरी बेहोश हो जाएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। इसे सूंघकर जेरी बेहोश हो जाएगा और हम उसे पकड़ लेंगे। यहाँ तक कि उसे पकड़ने के लिए मम्मी बिल्ली भी ले आई। बिल्ली का तो काम ही होता है जेरी को पकड़ना, अब जेरी कहाँ जाएगा? लेकिन चूहा हाथ में नहीं आया। आखिरकार हार कर मम्मी ने कहा, जाने दो, मैं हार मानती हूँ। लेकिन चिंकी ने हार नहीं मानी। वो चूहे को पकड़ने के बारे में सोचती रही। मैं इस जेरी को पकड़ कर ही रहूंगी। फिर एक दिन चिंकी अपने कमरे में बैठी स्कूल का होमवर्क कर रही थी। तभी उसने देखा कि वो चूहा चिंकी के हलवे की कटोरी में से बचा हुआ हलवा खा रहा है। ये देखते ही वो सब कुछ समझ गई और भागकर अपनी मम्मी के पास गई। मम्मी, मुझे पता चल गया कि जेरी को कैसे पकड़ना है। चिंकी ने पिंजरे में ज्योति का बनाया हलवा रखा और उसके हैंडल पर लगातार पकड़कर वो दूर जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद चूहा हलवे को सूंघता हुआ आया और पिंजरे के अंदर चला गया। चूहे के पिंजरे में आते ही चिंकी ने तार खींच दिया, जिससे चूहा पिंजरे में फंस गया। ये! मैंने जेरी को पकड़ लिया। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि जेरी हलवा खाने जरूर आएगा? वो ऐसे कि जब मैं अपने कमरे में बैठी थी तो मैंने देखा कि जेरी ज्योति दीदी का बनाया हलवा खा रहा था। फिर मैंने सोचा तो मुझे समझ आया कि जब से ज्योति दीदी आई है तब से ही ये जेरी हमारे घर आने लगा है। बस मैं समझ गई कि ये ज्योति दीदी के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खाने ही हमारे घर आता है। अरे वाह चिंकी, ये तो तुमने बहुत अच्छा आइडिया लगाया। थैंक यू मम्मी। इस तरह चिंकी ने नई मेड के स्वादिष्ट खाने की वजह से घर में आए चूहे को अपने आइडिया से पकड़ लिया।
तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन जरूर होता है। इसलिए चिंकी की तरह बिना हार माने हमें उस प्रॉब्लम के सलूशन को ढूंढते रहना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।